तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी को अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको जिस क्रिया के बारे में बता रहा हूं वो है सुकरदंत। सुकरदंत के बारे में वैसे तो मैंने एक पोस्ट बनाई है, वो पोस्ट आपको पूरे इस महीने के पेड ग्रुप में आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी दो एक चीजें मैं आपको बता देता हूं कि सुकरदंत को धारण करना अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। ये केवल उन्हीं लोगों को या जिसको जच रहा है वो जच रहा है, जिसको जच रहा है, लेकिन नॉर्मल आदमी को, साधारण आदमी को, एक साधक को, एक ऐसे साधक को जो हनुमान की पूजा करता हो, एक ऐसे साधक को जो देवी की पूजा करता हो, उनको ये सुकरदंत धारण नहीं करना चाहिए। वराहदेव की पूजा अगर आप करते हैं, वराही की पूजा आप करते हैं, तो आप इसको धारण कर सकते हैं। कोई भी ऐसा साधक जो मुस्लिम शक्तियों की पूजा करता हो, इस्लामिक तंत्र चलाता हो, उसको बिल्कुल भी इसे धारण नहीं करना है। आप समझ लीजिए कि इसको केवल आपने धारण किया, आप इसे केवल अपने घर में लाए, उस दिन से उस 24 घंटे में ही आपका कुछ नुकसान हो जाएगा 100%। या इसे ऐसे व्यक्ति धारण करते हैं जिनके पास कुछ शक्तियां है ही नहीं, जिन्हें शक्तियों से कोई वास्ता नहीं है, जो सिद्ध नहीं है, वो सिद्ध बनने का ढोंग करते हैं तो वो धारण कर लेता है। उसको तो कोई मतलब ही नहीं है कि हनुमान आना है, कि काली आनी है, कि भैरव आना है, कि कौन चलना है, कौन चलाना है, जो है ही नहीं उसके पास में कुछ, तो वो भी धारण कर सकता है, उसके लिए भी कोई मना नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके पास शक्तियां चल रही हैं, जो शक्तियां चलाते हैं, जो वास्तव में सिद्ध बनना चाहते हैं या बने हैं, या जिनके पास शक्तियां हैं, हनुमान जी की रौनक आती है, माता की रौनक आती है, ऐसे लोगों को, ऐसे साधकों को सुकरदंत को धारण पूरी तरह से नहीं करना चाहिए। इसके बारे में मैंने एक विस्तार से पूरी पोस्ट लिखी है, जिस किसी भी भाई को इस पोस्ट को पढ़ना हो आप लोग इस पोस्ट को पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं कि क्यों ये नुकसान करता है, क्यों इसके फायदे हैं, किसको ये पहनना चाहिए। तो इस पोस्ट के बारे में, सुकरदंत के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे केंद्र से जुड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।